नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभॉय राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर, आज की डेट में नोटिस के जरिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से बड़ी सूचना निकल कर आ रही, जो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जितने भी स्टूडेंट का UFM मास के तहत या जिनका भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, दोस्तों आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, आपके जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको सारी जानकारी। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभॉय राज्य विश्वविद्यालय की मूल्यांकन से संबंधित यहां पर नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, अभी अभी यह नोटिस जारी किया गया है, देख सकते हैं 8 दिसंबर 2022 यह आज का ही न्यूज पत्र है। और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं विषय दिनांक 29/11/2022 से विश्वविद्यालय की प्रारंभ BEd सम सेमेस्टर की परीक्षा 2020-22 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सम सेमेस्टर के हैं जो 20-22 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, दोस्तों उनकी जो बैक पेपर परीक्षा का जो मूल्यांकन है वो यहां पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, 9 तारीख से कल से यहां पर सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक परीक्षा भवन विश्वविद्यालय रैनी परिसर में यहां पर आपकी कापियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी इवन सेमेस्टर के BEd के स्टूडेंट हैं उनकी कापियाँ कल से चेक होना शुरू हो जाएंगी और रिजल्ट भी आप लोगों का जल्द ही जारी किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जितने भी UFM के छात्र हैं या जिनका भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, दोस्तों आप सभी का निर्णय जल्द आने वाला है। दोस्तों, इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक आपको बता दें कि 20 से लगभग 28-27 तक आपका यहाँ पर निर्णय आ जाएगा, आपकी परीक्षा होगी या आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट आप लोगों को जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं, MSc MCom के, जिनका भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया दोस्तों, या UFM लगा है, दोस्तों आप सभी का निर्णय जल्द आने वाला है। निराश ना हो, आपका यहाँ पर रिजल्ट इससे संबंधित जो निर्णय आने वाले हैं वो आपका परीक्षा जो समिति है वो लेने वाला है। तो दोस्तों, आप तीसरे सप्ताह तक वेट कीजिए, आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा और जल्द आएगा। अभी हाल ही में जितने भी नकल में पकड़े गए थे, जिन छात्रों का UFM लगा था, यानी कि जो नकल में पकड़े गए महाविद्यालय थे, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। वहाँ के विद्यार्थियों को अगले महाविद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस पर अब जल्द निर्णय आएगा, टेंशन न लें आप। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।